बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का टॉपिक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, उसकी डेरिवेशन करेंगे फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि काइनेटिक इक्वेशन है क्या। काइनेटिक इक्वेशन होती है जी पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन ए और मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इस काइनेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न की डेरिवेशन करनी है फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। अब ग्राहम्स लॉ होता क्या है? ग्राहम्स लॉ होता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न और अफ्यूज़न ऑफ द गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, कि अगर हम किसी भी गैस के रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करें तो गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो उस गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी डेरिवेशन हमने करनी है फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एम एन ए जो है, इट इज़ दी एम एन ए मैस ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। के एन ए जो है वो एवोगाड्रो नंबर है और एम से मुराद जो है वो मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो एम एन ए बन गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, और जो 1 मोल ऑफ द गैस का मास होता है वो बराबर होता है मोलर मास के, और इसको कैपिटल एम से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस एम एन ए की जगह पे लगा दूँगा मोलर मास। ठीक है, क्योंकि एम एन ए जो है वो हमारा किसके बराबर हो गया, मोलर मास के बराबर हो गया एम एन ए। अब इसको हल करेंगे, इस इक्वेशन को हम हल करेंगे किसके लिए, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर किसकी होती है, 3 PV ओवर जो है वो एम के बराबर हो। ठीक है, अच्छा इसको अगर फर्दर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए इस इक्वेशन को, तो मैं इसको ऐसे अगर लिख दूं m ओवर v, यानी कि इस वॉल्यूम को मास के नीचे लिख दिया, क्योंकि इसको जब हम हल करेंगे तो दोबारा यही ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें चाहिए इस इक्वेशन में डेंसिटी और मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बराबर किसके होता है, डेंसिटी के बराबर होता है। तो डेंसिटी बनाने के लिए इस इक्वेशन की जो है वो रीअरेंजमेंट की गई। ठीक है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर आ गया, 3p ओवर d के बराबर आ गया। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगी आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, 3p ओवर d इसका स्क्वायर रूट। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितनी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जितनी जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी उस गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो उतना ही वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है कि इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है वैल्यू, 3p ओवर d और इसका स्क्वायर रूट। जैसा कि हमने पहले लिखा कि ग्राहम्स लॉ में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो
तो इस इक्वेशन में जो 3p है इसको हम रख लेंगे कांस्टेंट, यानी ख़त्म कर देंगे इसको, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1/d का स्क्वायर रूट, इट इज़ दी डेरिवेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। तो ये हमने काइनेटिक इक्वेशन से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को ड्राइव कर लिया। उससे अगला हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कि जब हम किसी भी गैस को टेम्परेचर देते हैं तो उस गैस की मॉलिक्यूलर मूवमेंट के साथ जो है वो क्या होता है, इसकी स्टडी हमने जो है वो करनी है। उसके लिए हम फिर जो है काइनेटिक इक्वेशन ही लिखेंगे। काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू 1/3 MNA और मीन स्केयर वेलोसिटी। ठीक हो गया। अच्छा जी, और जो गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इसको हम लिखेंगे अब ई के, वो बराबर होती है किसके जी, 1/2 एम और मीन स्केयर वेलोसिटी के। ठीक है, अब ई के से मुराद यहाँ पे होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब इस इक्वेशन को मैं करने लगा हूँ जी 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ ही डिवाइड। ऐसा इसलिए किया ताकि हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बना सकें। तो अब इसको 2 को अंदर ले जाएंगे और 3 को जो है वो बाहर निकालेंगे, आपके पास बन जाएगा 1/2 एम और मीन स्केयर वेलोसिटी, और ये एन ए भी बाहर निकाल लिया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो क्या है, 1/2 एम और मीन स्केयर वेलोसिटी। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से ये बीच वाली जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस काइनेटिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 को अंदर ले गए, 3 को बाहर ले आए। ठीक है, ताकि ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या बन सके, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जो है वो बन सके। जनरल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है जी कि PV इज इक्वल टू NRT, लेकिन अगर N आपके पास 1 मोल हो तो ये PV बराबर किसके आ जाएगा, RT के बराबर आ जाएगा। अब हम ऐसा करेंगे कि इस PV की जगह पे ये RT पुट कर देंगे, RT बराबर किसके आ जाएगा, 2/3 NA और EK के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा हल करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, यानी कि EK की वैल्यू हमने निकालनी है, वो बराबर किसके आ जाएगी, वो बराबर आएगी 3R/2 NA और T आ जाएगी। अब इसमें देखें, इस इक्वेशन में R भी कांस्टेंट है और NA जो है वो एवोगाड्रो नंबर है, ये भी कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो अगर इस पे गौर किया जाए तो ये पूरा फैक्टर ही क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हम ले आते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। तो क्या बन गया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, कि अगर हम मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं तो उस गैस का टेम्परेचर जो है वो उतना ही क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से टेम्परेचर की डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ द गैस। कि टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर के बढ़ने से मुराद है गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का बढ़ना। कि अगर हम मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट को जो है वो कम कर देते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम देखेंगे कि गैसेस में टेम्परेचर जो है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ कैसे मुंतकिल हो जाता है, गैसेस में कंडक्शन ऑफ टेम्परेचर जो है वो कैसे होती है। मसलन बिलफर्ज आपके पास एक गैस है, ये कंटेनर है, इसमें आपने गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आप इसको हीट करते हैं यहाँ पे,
तो जब हीट करेंगे तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना बिल्कुल बॉटम के पास, ये हीट को हासिल करके इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टम्परेचर बढ़ने से मुराद मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का बढ़ना है। तो ये बॉटम वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ये टकराएंगे साथ वाले मॉलिक्यूल्स से, वो आगे अपनी एनर्जी मुंतकिल कर देंगे कोलिजन के बाद, अगले से टकराएंगे। इस तरह हीट जो है, टम्परेचर जो है, वो गैसियस मिक्सचर में एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाता है। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स की वजह से हीट का कंडक्ट होना, इट इज़ सेट टू बी अ मॉलिक्यूलर कंडक्शन ऑफ द हीट, ये मॉलिक्यूलर कंडक्शन हो जाएगी कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे, वो आगे अपने साथ वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे। इस तरह टम्परेचर जो है वो कंटेनर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमने पढ़ा गैसेस में हीट की कंडक्शन जो है, टम्परेचर की कंडक्शन वो कैसे होती है। अब अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में एटम्स होते हैं, ऐसे एटम्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो वो एटम्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी हर टम्परेचर पे वो जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो सॉलिड में जो एवरेज वाइब्रेशनल मोशन है एटम्स के दरमियान, इट इज़ सेट टू बी अ टम्परेचर ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का टम्परेचर क्या हो गया, द एवरेज वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ सॉलिड। अच्छा, अब ऐसा होता है, दूसरा ये है कि हम इसको मेटल को ना, मेटल में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं मेटल्स के अंदर, तो ये कंडक्शन बैंड हो गया मेटल का। अब इसमें ऐसा होता है जब हम मेटल के किसी एक सिरे को हीट करते हैं तो वहाँ पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी हासिल करके कंटेनर के ठंडे हिस्से की तरफ मुंतकिल होते हैं बड़ी स्पीड के साथ। यानी कि मेटल्स के कंडक्शन बैंड में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी हासिल करके अपने से अगले एटम के ऊपर जाते हैं बड़ी स्पीड के साथ। तो वहाँ पे जहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो टकराएंगे और अपनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मुंतकिल कर देंगे, वो अगले एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे अपनी एनर्जी उनको मुंतकिल कर देंगे। इस तरह हीट जो है वो मेटल्स में एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाती है। इस तरह की कंडक्शन को हम बोलते हैं क्या, मेटैलिक कंडक्शन। मेटैलिक कंडक्शन में हम हीट की कंडक्शन कैसे स्टडी किया हमने, कि जब हम एक सिरे को गर्म करेंगे तो उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तेज़ी से मूव करेंगे टूवर्ड्स द कोल्डर पार्ट ऑफ द मेटल। वहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो हीट करेंगे और अपनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मुंतकिल करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह मेटल्स में एक हिस्से से एनर्जी जो है वो दूसरे हिस्से की तरफ आसानी से मुंतकिल हो जाती है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा ग्राहम्स लॉ की डेरिवेशन फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, और दूसरे नंबर पर हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टम्परेचर पढ़ा। हमने पढ़ा कि जितना किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ाएंगे टम्परेचर उतना ही बढ़ेगा, या टम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।